कि इज इट राइट टाइम टू अप्लाई फॉर कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा। पर जे मैं मेजर पब्लिक कॉलेजेस दी सरकारी कॉलेजों की गल करा तो सितंबर का इनटेक शुरू हो चुके हैं। सो अज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तक दे रही ने, अज आस्ट्रेलिया दे विच मई का दाखिला खुलिया दोस्तों, तो सारे पैसे देने वीज़ा लगन तो बाद। सत श्रीकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना सुखचैन राही आर एस ग्लोबल इमीग्रेशन तो अच्छ फिर वीडियो लैके हाजिर हाँ एक नवेकले टॉपिक से। नवेकला टॉपिक की है कि इज़ इट राइट टाइम टू अपलाई फॉर कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा। जिन्ने मूँह उन्निया गल्लां, जिन्ने दिमाग जिन्नी बुद्धियाँ उन्ना क अपना अपना हक का तजर्बा और अपनी गलबात करता। दिन च दफ्तर च रोज़ बैठी दा, सवेर तो लैके शाम तक अलग अलग स्टूडेंट्स को मिलने का मौका मिलता। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिलते हैं एक बार दो बार तीन बार रिफ्यूज़। सो सोमवार वाले दिन जलंधर दफ्तर बैठा, बहुत वड्डा रश सीगा बच्चों का, जिहड़े रिफ्यूज़ होकर मेरे को आए। तकरीबन 35 तो 40 क्लाइंट सिर्फ उही मिले जिहड़े बठिंडे तो मालवे तो अलग अलग थावां तो आके मिले, जिहड़े रिफ्यूज़ हो चुके सी। सो सारे की कंकलूजन यही निकलती कि हुण सानू कैनेडा अप्लाई करना चाहिए या किसी होर कंट्री बारे सोचना चाहिए। सो अज की वीडियो ये 4-5 मिनट की एंड तक जरूर वेखियो और अपने दोस्तों भैणों भरावों तक जरूर शेयर करो। अगर साडा ये चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो हुणे सबसक्राइब करो, बैल वाले बटन नू नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि अपने आप नू जाणू कराया जा सके, अवेयर किया जा सके कि केड़ी कंट्री तुहानू एक वधिया भविख दे सकती है। क्योंकि आर एस ग्लोबल का जिथे तक सवाल है वो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 35 कंट्रीज में बच्चे भेजते हैं। जिस प्रोफाइल जिदा का बजट जिदा की रुत उदा के कपड़े, सो जिदन तुहाडी प्रोफाइल उदा का गाइड किया जाता। सो अज की वीडियो दसांगा कि अगर कैनेडा अप्लाई करना चाहिए तो किहड़ी गल्लां दा ख्याल रखना, किदां दी प्रोफाइल चाहिए है। अगर तुहाडी प्रोफाइल इस वीडियो दित्ती हुई प्रोफाइल नाल मेल खाती है तो जरूर अप्लाई करो। अगर नहीं मेल खाती फिर उन्होंने कंट्रीज़ में अप्लाई करो जिथे तुहाडी एलिजिबिलिटी बनती है। सो गल करते हैं कैनेडा की। एक समा सी जदों 47% नाल वीज़ा लिया जाता सी, एक समा सी जदों 8-8 रिफ्यूजल तो बाद भी कैनेडा के वीज़े आते, एक समा सी जदों एक मड्यूल 95% के वीज़े भी आते। बट जदों गर्मी सी उदों सी टी शर्ट्स पाने सी, अज सर्दियां ने जैकेट्स ब्लेजर मोटे मोटे स्वैटर पाए जाते, पिंडां च बुकलां मारी जांदियां लोहे दियां क्योंकि रुत्त ठंडी है। सो जे रुत्त गर्म च असी गर्मी दे कपड़े पाउने आ, सर्दी च असी सर्दियां वाले कपड़े पाउने। सो अज रुत्त बदल चुकी है दोस्तों, सेम कैनेडा दे भी रूल्स रेगुलेशन माहौल बदल चुकिया। अज एक मड्यूल 95% ते वीज़ा चांसस बहुत घट है। 100 पिछे कोई एक अद्धा वीज़ा जरूर दिखाता होएगा आर एस ग्लोबल ने या किसी होर कंपनी ने भी, मैं उन्हें सक्सैस रेट नहीं गिनागा। अगर तुहाडा एक तो लैके 3-4 वार तो ज़्यादा रिफ्यूज़ है, कैनेडा वाले पासे अप्लाई ना करो, उन्हां कंट्री अप्लाई करो जिथे एलिजिबिलिटी बनती है। अज मई इनटेक सारे कॉलेज में खत्म हो चुका है, हाँ 2-4 प्राइवेट कॉलेज जो जरूर इनटेक अवेलेबल है, पर जे मैं मेजर पब्लिक कॉलेजेस की सरकारी कॉलेजों की गल करा तो सितंबर का इनटेक शुरू हो चुका है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम इफ यू वांट अप्लाई फॉर सितंबर 2022 इनटेक। पर एक गल दिमाग रखियो, जे तुहाडे आईएलटीएस 6 बैंड ईच है, जे ग्रेजुएशन की है 6.5 ओवरऑल 6 ईच है, और घट्टो घट 8 महीने अगले वेट कर सकते हो ता ही अप्लाई करो, क्योंकि सितंबर च अज दाखला अप्लाई कर दौ, मार्च में तुहाड़ी जाके ऑफर टोनी है किसी पब्लिक कॉलेज की, फिर फीस भर दौ, बायोमैट्रिक करवा दौ, मैडिकल करवा दौ, रिजल्ट आदि घट्टो घट 4 महीने का समा लग जाना। अगर इन्नी वेट करन च तुहाडे च ठरमा सबर पेशेंस है तो जरूर कैनेडा अप्लाई करो, बट पेशेंस नहीं है सबर नहीं कर सकते तो उस कंट्री अप्लाई करो जिथे 2 मिनट वीज़ा आता है। तुहाडे नहीं 6 बैंड ईच है, एक मड्यूल 95% है या 2 मड्यूल 95% है, या फिर पीटी कीता 52 नंबर है 45 ईच है, यानी कि 6 ओवरऑल 5.5 ईच है, ऑस्ट्रेलिया बाहां फैला के वेलकम कर रहा। जदों एक भुखे इंसान नू रोटी मिलती है फिर अपनी फरमाइशा नहीं करता, वह बेचारा अचार ना रोटी खा के भी ढिड भरन की गल करता। एग्जाम्पल शायद समझ आ चुकी होगी, ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल तो बच्चे नहीं ले, अपने बॉर्डर बंद रखे, अज कैनेडा बच्चे लै गया, यूके बच्चे लै गया, ऑस्ट्रेलिया नू वारी है बच्चे लैण दी। पिछले हफ्ते मैं एक अनाउंसमेंट की सी, वीडियो भी बनाई सी कि उत्थों दे प्रधानमंत्री ने भी स्टूडेंट नू फुल टाइम काम करन दी परमिशन देती, 48 पर फोर्टनाइट वाला जिहड़ा 40 आवर्स पर फोर्टनाइट वाला जिहड़ा सीगा लिमिटेशन खत्म कर दित्ती गई है। हौली हौली करके ये चीज़ां सुनू इस करके मिल रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नू स्टूडेंट चाहिए है, कामियां दी लोड़ है, वर्कर की लोड़ है, हुनरमंद से जड़े बंदे कामे चाहिए उन्होंने। सो अज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तक दे रही ने, अज ऑस्ट्रेलिया दे विच मई का दाखला खुलिया दोस्तों, 2020-2021 पास किए हैं, +2 60% नंबर है, 6 बैंड ओवरऑल है, 5.5 ईच, चुप करके ऑस्ट्रेलिया डिग्री अप्लाई करो, वीज़ा मिल जाएगा और वीज़ा चांसिस 100% है। जिस किसी तजर्बेकार कंसल्टेंट तो फाइल ला लोगे वीज़ा आ जाएगा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा लैन की समझ है। जे ग्रेजुएशन की 2015-2016 तुहाडे कोल 5-7 साल के जॉब के प्रूफ है
6.5 बैंड ओवरऑल 6 इंच है 55% ओवरऑल नंबर है। चुप करके शीडिया फाइल ला लो, कैनेडा च अपलाई करके अपना समा खराब ना करो, वीज़ा निकल आएगा। पर फिर भी जो स्टिल तुसी कैनेडा अपलाई करना चाहते हो, आरएल ग्लोबल की टीम तुहानू मदद कर रही है तुहाडी जिहड़ी पैसे की इनवैसमेंट अपने पल्ले पाउण दी। तुसी यूनीवर्सिटी कॉलेज की कोई फीस पे नहीं करनी, मई का इनटेक अवेलेबल है टोरोंटो के मिसीसागा विच और वैनकूवर विच, तुसी सारे पैसे देने वीज़ा लगन तो बाद। सो तुसी जिहड़ी GIC अपना पे किया पहला रिफ्यूज़ हो चुके हो, मैडिकल तुहाडा पेड है, केवल आपकी एम्बैसी फीस पे करके वर्क परमिट वाले कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, चाहे मैडिकल प्लस टू की है चाहे कॉमर्स चाहे नॉन मैडिकल दे विच, तां इस ग्रुप की टीम के मदद नाल एक दिन ऑफ लैटर, एक दिन के LOA और चौथे दिन अपना केस लॉन्च किया जा सकता कैनेडा लई। बट फिर भी स्टिल आपकी प्रोफाइल की असैसमेंट करवाना चाहते हो, कंट्री में मिला के कन्फ्यूज़ हो कैनेडा करा कि आस्ट्रेलिया करा, एक बार मेरे नाल मेरी टीम नाल जलंधर मोहाली अमृतसर दफ्तर तक जरूर मिलो, आपकी कन्फ्यूजन दूर करो और अपने भविख संबंधी सही फैसला लो। उम्मीद करता वीडियो पसंद आई होगी, अगली वीडियो में आस्ट्रेलिया में लैके नवी अपडेशन जो आई हैं तुहाडे नाल जरूर सांझी करांगे। तद तक जिउंदे वसदे रहो, रब राखा, सत श्री अकाल।